एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, एक से दो किया, अब दो के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर प्लस 2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है ये, तो प्रजनन दर को कम करने के लिए बिहार में कितना ज्यादा आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उसे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू हो। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो सब पर ही असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही ना है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं, क्या बात है। तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा, लेकिन कुल मिला करके ज्यादा से ज्यादा में कम, तो कुल मिला करके प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है, बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम ना बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है।